गुड इवनिंग। दूसरा दिन है आज हमारे कल्याण प्रादेशिक लोक विज्ञान केंद्र भावनगर की ओर से मैं आप सभी का इस दूसरे दिन के दूसरे सेशन में सभी का स्वागत करती हूँ। आज के सेशन का सब्जेक्ट है हमारे मेडिसिनल प्लांट एट माय होम, और उसके हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर हरिओम गुप्ता सर जी। मैं हर्षद भाई को विनती करती हूँ कि हरिओम गुप्ता सर जी का परिचय दें। हर्षद सर, आप सभी हमारे लिसनर को लोक विज्ञान केंद्र भावनगर की ओर से जय विज्ञान। हमारे साथ आज हमारे जो सब्जेक्ट है मेडिसिनल प्लांट एट माय होम, उनके जो एक्सपर्ट है डॉक्टर हरिओम गुप्ता सर, वो अभी हमारे साथ सीधा लखनऊ से हमारे साथ लाए। CSIR लखनऊ, जो हमारी गुजरात भारत सरकार की एक रिसर्च की एक पूरी टीम है, वहां से हमारे साथ लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका परिचय बहुत लंबा है, लेकिन फिर भी जो भावनगर के हैं उनको पता है कि वो भावनगर का जो हमारा CSMCRI है वहाँ पर वो हमारे यहाँ पर भी वो काम कर चुके हैं। बाद में अभी वो फिलहाल लखनऊ है और वहीं से वो अपना संशोधन है वो जारी रखते हुए हमारे साथ आज हमारे सब्जेक्ट पर बात करने वाले हैं। मैं सीधा हरिओम गुप्ता सर से ही मैं बात कहूंगा कि वो आगे का सेशन चलाए। हरिओम गुप्ता सर। ओके, थैंक यू हर्षद भाई, एंड नमस्कार टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को नमस्कार, और आज हम बात करेंगे आपसे मेडिसिनल प्लांट जो आप घर पे लगाते हैं एट होम पे, और उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, उन पे एक डीपली प्रकाश डालेंगे कि कैसे उनकी मेडिसिनल इम्पोर्टेंस है। तो मैं आपको स्लाइड शेयर कर रहा हूँ। दिखाई दे रहा है सर। ओके, थैंक यू। मेडिसिनल प्लांट एट होम ए पोटेंशियल मेडिकल रेमेडी। जैसा कि आपको सबको पता होगा कि आप घर पे बहुत सारी प्लांट्स लगाते हैं, तुलसी तो शायद कोई ऐसा घर हो जहां पे ना हो। मुझे लगता है कि शायद जो मैंने गुजरात के टाइम में रहा और वहां भावनगर में ऑब्जर्व किया, लगभग सभी घर में तुलसी का पौधा रहता है। तो तुलसी में भी बहुत सारे मेडिसिनल गुण है, और उनमें क्या इंपॉर्टेंस है उन पे बात करेंगे। आपका एलोवेरा, शायद सभी लोग लगाते हैं एलोवेरा, जो खुद में एक मेडिसिनल प्लांट है। एलोवेरा जेल, एलोवेरा आपके स्वीट्स, और एलोवेरा आपके जो जूस वगैरह जो उपयोग होता है, उनका क्या इंपॉर्टेंस है और उनकी क्या वैल्यूज हैं उनके बारे में बात करेंगे। आपके पेपरमिंट या मैरीगोल्ड, रोजमेरी या आपके खस वेटिवर, या आपका जो हुआ लेमन ग्रास, इन सब के बारे में कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी बात करेंगे आपसे, और बताएंगे कि इन मेडिसिनल प्लांट्स का उपयोग क्या है। जैसे अगर आपका ये एक प्रोडक्ट है CSIR, CMAP और NVRI कंबाइन, जो आपके सुगर्स के रेगुलेशंस के लिए बनाया गया, सुगर कंट्रोल्स के लिए BGR 34, जो आप सब लोग अवेयर हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और कितना उपयोगी है, और ये टोटली आपके आयुर्वेदिक से बना हुआ है। तो हम बात करते हैं कि एक अनदर प्रोडक्ट जो अभी मार्केट में है और इम्यूनिटी बूस्टर के नाम पे है, कालमेक। कालमेक एंडोग्राफिस पेनिकुलेटा जो उसका बॉटनिकल नेम है। जो कालमेक है इसकी कितनी क्या इम्पोर्टेंस है और वो क्या क्या काम करता है, तो जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, इम्यूनिटी बूस्टर है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में, एनाल्जेसिक में, एंटीपायरेटिक में, जॉइंटिस में, लीवर फंक्शन इम्प्रूवमेंट में, इन सभी में इनका उपयोग किया जाता है। तो ये प्लांट इतना छोटा सा प्लांट हर्ब है जो आप बड़ी आसानी से अपने घर पे लगा सकते हैं। तो यानी कि एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल, एंटीवायरल, एंटीपायरेटिक, और इम्प्रूव इम्यूनिटी, इम्प्रूव लीवर प्रोटेक्टिंग,
जैसी बहुत सारी जो औषधि गुण है इस प्लांट में है, जो आपके एट होम पे मेडिसिनल प्लांट्स हो सकते हैं। तो हम आपको आगे दिखाते हैं इस मेडिसिनल प्लांट में कि कितना बड़े साइज का ये प्लांट होता है और इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। तो यहाँ पे हमने आपको बताया हुआ है कि बहुत सारे जो फाइटो मॉलिक्यूल्स हैं, मेजर फाइटो मॉलिक्यूल्स, एक जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोई भी प्लांट अगर आपका है तो वो एक नेचुरल मॉलिक्यूल्स प्रोडक्शन की एक इंडस्ट्री की तरह, सभी तरह के अलग अलग प्लांट अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं और उन मॉलिक्यूल्स की अलग अलग एक्टिविटी होती है और उन मॉलिक्यूल्स का अलग अलग आपके मेडिसिनल वैल्यूज होती है। जैसे इस आपका प्लांट है कालमेघ एंडोग्राफिस पेनिकुलेटा, इस प्लांट में अगर बात करें एंडोग्राफिलाइट इज मेजर कॉन्टेंट, दिस वन इज वेरी यूजफुल मेडिसिनल कंपोनेंट। ये आपका क्या है कि बहुत उपयोगी आपका कंपोनेंट है मेडिसिनल का। तो इस ये कहाँ कहाँ उपयोग होता है, एंटी डायवर्सिटी एक्टिविटी, एंटी डिप्रेसेंट एक्टिविटी, न्यूरो प्रोटेक्टिव एक्टिविटी, कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी और हिपैटो प्रोटेक्टिव एक्टिविटी। हिपैटो प्रोटेक्टिव मतलब लिवर रिलेटेड आपकी जो बीमारियां हैं, डिसीज जो प्रॉब्लम्स हैं उनके इम्प्रूवमेंट के लिए। जैसे बहुत सारे लोग जो बोलते हैं कि हमारा एनलार्ज लिवर है या लिवर फंक्शंस में प्रॉब्लम्स हैं, उन सबके पॉइंट ऑफ व्यू में ये बेनिफिशियल होती है। और अगर आप यहाँ पे देखें कि ये एक छोटा सा पौधा है, बहुत छोटा सा, और आसानी से आप अपने घर में गमले में लगा सकते हैं और इसकी लीव्स को उपयोग किया जाता है और इन लीव्स के जो जैसे चाय टाइप की बनती है उसी तरह से इसको बॉइल करके उपयोग किया जाता है। थोड़ा सा बिटर टेस्ट होता है इसका काफी, और उसकी वजह से स्मॉल अमाउंट में लोग उपयोग करते हैं और बहुत सारे मेडिसिनल्स एक्टिविटी जो आपको दिखाई बताई गई है उन सब में उपयोग होता है। अब अगर हम बात करें आपसे जो आज की डेट में एक कंसर्न है कोविड 19 में बहुत सारा बताया जा रहा है कि मेडिसिनल प्लांट्स की उपयोग होते हैं और उनका क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पर हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि एक जो गिलोय है टेनोस्पोरा और दूसरा आपका जो यहाँ पे अश्वगंधा है, तुलसी है, इनके प्लांट्स की कोविड पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। एक पब्लिकेशन है जिसका DOI नंबर हमने नीचे दिया हुआ है। इस पब्लिकेशन में इन्होंने स्टडी की है और बताया है कि अगर हम इन मेडिसिनल प्लांट्स को उपयोग करते हैं, मेडिसिनल प्लांट की डोजेस को उपयोग करते हैं 500 mg से 5 ग्राम तक एच पर बेड के हिसाब से इन्होंने यूज किया है और उसके बाद उन्होंने जो कंक्लूसिव इंपैक्ट इनको मिला है, जो उन्होंने डिटेल्स देखी है, उस डिटेल्स में आया है कि जो कंट्रोल थे, नॉर्मल ड्रग ले रहे थे आपके जो गाइडलाइंस में मिल रही है आपकी, उसके अलावा जिन उन लोगों को जिनमें कि ये आयुर्वेदिक रिमेडीज इंटरवेंशन किया गया, तो उनमें क्या है कि जो आपकी रिकवरी है वो इम्प्रूव मिली। ये आप ब्लू ग्राफ जो देख रहे हैं ये आपके रिकवरी इम्प्रूवमेंट का ग्राफ है। और यहाँ पे अगर आप देखें कि कंपेयर टू थर्ड डे, यहाँ आपका नहीं है कुछ भी, लेकिन 35.7% जो आपके पास जो केसेस परसेंटेज है वो आपको इम्प्रूव मिल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये तीनों जो आपको गिलोय, अश्वगंधा, तुलसी, ये आपके जो कोविड वायरस के प्रोटेक्शन में इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं और इनका इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ पे आपके जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं गिलोय के, वो यहाँ पे बताए गए हैं, कई सारे आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं यहाँ पे। उसके बाद अगर हम बात करें कि डिफरेंट प्लांट्स ऑफ हर्ब्स दैट कैन हेल्प इन द फाइटिंग फाइट अगेंस्ट कोविड 19, जिंजर, ये दिस इज नोस वेरी वेल, आप जानते हैं, लहसुन, अदरक, ये गिलोय और ऐसे ही बहुत सारे प्लांट्स आपके जो नीम है, हल्दी है, लौंग है, काली मिर्च है और आपके ये अदर्स कई सारी मुलेठी है, और इन सबके उपयोग से बहुत सारे वायरस और मेडिसिनल जो रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज हैं वो इन सभी प्लांट्स में उपलब्ध है। देखते हैं इनमें कई सारे प्लांट्स में किस तरह की बेनिफिशियल है। तो बेनिफिट्स ऑफ हर्ब एंड स्पाइसेस और बहुत सारे जो आपके उपयोग हैं उनमें कैसे ये सार्स के लिए या अदर टाइप के वायरस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं
सिनेमोन, तो दिस इज, ये एक दालचीनी है जो आप मसाले की तरह यूज करते हैं, टर्मरिक मसाले की तरह यूज करते हैं, ब्लैक पेपर्स ये भी काली मिर्च मसाले की तरह यूज करते हैं, क्लोव्स, जिंजर, गार्लिक्स, और इन सभी को मसाले की तरह के उपयोग किए जाते हैं। तो इन सब में आप अगर एक्टिविटीज देखें तो बहुत सारे एंटीवायरल एक्टिविटीज आपको दिख रही हैं, जैसे ये आपका सिनेमोन सार्स कोविड वायरस के लिए आपकी एक्टिविटी देता है, यहाँ पे टर्मेरिक भी सार्स कोरोना वायरस में एक्टिविटी देता है, ब्लैक पेपर्स भी आपके कई तरह के वायरसेस में आपको एंटीवायरल एक्टिविटी देता है। और अगर हम यहाँ पे मेडिसिनल प्लांट्स जो आपकी तुलसी है, गिलोय है, नीम है, इन सब में भी आपको सार्स कोविड के जो एंटीवायरल एक्टिविटी है वो रिपोर्टेड की गई है, और वो रिपोर्ट्स क्या लोगों ने की है स्टडीज करने के बाद कि ये सार्स में भी बेनिफिशियल है और एंटीवायरल टाइप की एक्टिविटी देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि बहुत सारे जो आपके दिस का टर्मेरिक कंपाउंड, टर्मेरिक जो आपका है, जो टर्मेरिक आपकी हल्दी जिसको बोलते हैं, उसमें एक इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है कर्क्यूमिन। तो यहाँ पे आपको कर्क्यूमिन की बहुत सारी एक्टिविटी बताई गई है कि कैसे ये कर्क्यूमिन डिफरेंट डिफरेंट आपके एक्टिविटी देता है और डिफरेंट वायरस में किस तरह से ये एक्टिविटी करता है। जैसे सार्स कोरोना वायरस में बताया गया है कि आपकी जो मैकेनिज्म है, रिप्लिकेशंस आपके जो इनिबिटर्स है और प्रोटेज एक्टिविटी इनिबिटर है, ये एक्टिविटी के थ्रू कोरोना वायरस को रिड्यूस करता है, उसके लोड्स को कम करता है। तो यहाँ पे ये रिपोर्ट्स आपके जो कोरोना C-19 की बात नहीं है, यहाँ पे आपके बहुत सारी स्टडीज ऑनगोइंग है जिनमें अभी रिपोर्ट आ रही है, और उन रिपोर्ट्स के बेसिस में जो कर्क्यूमिन है वो बहुत सारा बेनिफिशियल हो रहा है। और ऐसे ही कई सारे इसमें आपके कर्क्यूमिन हर्पेस वायरस में, हेपेटाइटिस बी वायरस में, हेपेटाइटिस सी वायरस में, और ह्यूमन इम्यूनोडिफिशेंसी वायरसेस जो है उनमें, ह्यूमन के लिए रेस्पिरेटरी सिंटिकल वायरस में, और चिकनगुनिया वायरस में, डेंगू वायरस में, जीका वायरस में, इन्फ्लुएंजा ए वायरस में, इनकी बहुत उपयोगिता है। और ये मेडिसिनल प्लांट या ये मेडिसिन प्लांट भी आप बड़ी आसानी से अपने घर में ग्रो कर सकते हैं और लगा सकते हैं। और वैसे तो आपकी हल्दी जो है सभी के उपलब्धि होती है घर के अंदर, और वो हल्दी आपके इसी इंपॉर्टेंस रखती है, तभी बहुत सारी चीज़ों में हल्दी के दूध या हल्दी की मिक्स चाय इन सब को लिया जाता है। तो अगर आप देखें ये हल्दी के प्लांट, तो हल्दी का प्लांट बड़ी आसानी से गमले में ग्रो किया जा सकता है, और उसको से हल्दी को नेचुरल जो तुरंत ताज़ा हल्दी प्राप्त की जा सकती है। और वो कहाँ कहाँ उपयोगी है, यहाँ पे अगर आप देखें जो मेजर, ये बहुत सारी एक्टिविटी देता है, रिलीफ कफ एंड कोल्ड, इम्प्रूव डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, नेचुरल ब्लड प्योरीफायर, प्रिवेंट कैंसर्स, और सपोर्ट्स कार्डियोवास्कुलर फंक्शंस, फाइट इंफ्लेमेशंस, इम्प्रूव्स रेस्पिरेटरी हेल्थ, जो रेस्पिरेटरी हेल्थ है उनको भी इम्प्रूव करती है। जो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नींद आने में दिक्कत होती है, तो यहाँ पे ये भी रिपोर्ट की गई है कि जो स्लीपिंग प्रॉब्लम्स हैं उनमें भी इम्प्रूवमेंट आता है हल्दी के लेने से। इसी वजह से शायद ये मसाले और इन सब में खान में हल्दी ली जाती है, लेकिन फर्दर एडिशनल सप्लीमेंट हल्दी लेने से शायद और इम्प्रूवमेंट आता है। यहाँ पे अगर हम बात करें आपके गिलोय और जिंजर, गिलोय के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं और मोस्ट ऑफ जगह लगी भी रहती है और बड़ी इजीली ग्रो करती है। अगर आप थोड़ा सा भी गिलोय को तोड़ के या काट के लगाएंगे तो वो भी आपका प्लांट ग्रो कर जाता है और उस प्लांट की तरह बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे और देखें अगर गिलोय और यहाँ पे, तो गिलोय आपकी दिखाई गई है कि कितना स्मॉलली आप यूज कर लगा सकते हैं और बहुत इजीली आप गमले में भी लगा सकते हैं और एट होम पे इस मेडिसिनल प्लांट को लगाया जा सकता है। तो अगर ग्लोय की बात करें तो ग्लोय की जो स्टडीज आई है अभी 2020 में रिपोर्टेड, लोगों ने बताया है कि जो सार्स कोविड वायरस के लिए जो ग्लोय है, जो उसका मॉलिक्यूल्स है वो आपके क्या है, इनिबिटर्स ऑफ मैन प्रोटीज आपके इनिबिटर्स करते हैं, और इनिबिटर्स ऑफ आपके प्रोटीज में ये आपके दो टाइप के मॉलिक्यूल्स आपके उपयोग में आ रहे हैं, और इसकी वजह से आपके सार्स कोविड वायरस
इन्फेक्शंस के लूज में कम करने में सहायक है। ऐसे ही अगर हम जिंजर्स की बात करें, जिंजर्स में वो भी 2020 में रिपोर्ट किया कि ये ब्लॉक द एस प्रोटीन्स ऑफ बाइंडिंग टू गो टू द ACO2 रिसेप्टर, जो है आपके एंजाइम रिसेप्टर है जिसके साथ ये वायरस बाइंड करता है, और बाइंड करने के बाद वो आपकी बॉडी में एंटर होता है और प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो उन सब को जो आपका ये जिंजर्स है उनके इम्प्रूवमेंट में भी ये काम करता है, इसलिए टू रिसेप्टर्स को आपका ब्लॉक करता है। तो अगली बात है आपकी दालचीनी की। जैसे कि आपके मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेद ने, जो आपके मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट ने, आयुर्वेदिक इम्यूनिटी प्रोमोटिंग मेजर्स के बारे में बताया कि कैसे आप अपनी आयुर्वेद के थ्रू, आयुर्वेदिक मेडिसिन के थ्रू अपनी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं इम्यूनिटी को। तो यहाँ पे अगर हम बात करें आपकी जो इम्यूनिटी इम्प्रूवमेंट के लिए है कि कैसे कैसे करना है, वो बताया इनमें कौन कौन से वायु चीजों का उपयोग करना है। तुलसी, बेसिल्स, दालचीनी, सिनेमन, काली मिर्च और जिंजर, ड्राई जिंजर, मुरक्का, इस तरह से उन्होंने बहुत सारी चीजों को बताया। अगर हम बात करें सिनेमन, जो आपकी दालचीनी है, दालचीनी को भी आपको सार्स कोविड के लिए पहले भी रिपोर्ट किया गया है, जो ये 19 इज स्लाइटली डिफरेंट एज कम्पेयर टू प्रीवियस सार्स कोव। तो यहाँ पे इनको भी आपके जो फर्दर स्टडीज हैं कोविड 19 के लिए वो ऑनगोइंग है और वो चल रही है। तो यहाँ पे सार्स कोव के लिए भी सिनेमन का उपयोग हो रहा है, और सिनेमन आपकी दालचीनी जो इजिली आपके घरों में उपलब्ध है और उन सबका मेडिसिनल इम्पोर्टेंस है। यहाँ पे एक अनदर है विदानिया सोमनीफेरा, अश्वगंधा। अश्वगंधा एक ऐसा मेडिसिनल प्लांट है जो बहुत पुराने समय से आयुर्वेद के फॉर्म में उपयोग होता आ रहा है। अश्वगंधा इज एन हर्ब विच हैज मार्क्ड इट प्रेजेंस फॉर 6000 ईयर्स विद ह्यूमन हिस्ट्री, मतलब कि 6000 साल पहले इसकी ह्यूमन हिस्ट्री में रिपोर्टेड है और ये एंसेंट में बहुत सारा उपयोग किया जाता रहा है। तो इसमें बहुत सारे टाइप के मॉलिक्यूल्स होते हैं, बेदाफेरिंस हैं, बेदोनोसाइड्स हैं, बेदोनोलाइड्स हैं, अल्कलाइड हैं, स्पेनिस हैं। तो यहाँ पे इनका उपयोग जो है, कैसे इसको उपयोग इनके एक्टिविटीज में होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी डायबिटिक, न्यूरोप्रोटेक्टिव, एनाल्जेसिक, एंटी ट्यूमर, एंटी एजिंग, एंटी एथरेटिक और एंटी स्ट्रेस, एंटी वायरल एंड इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स के फॉर्म में उपयोग होता है। लेकिन यहाँ पे कितना बड़ा ये प्लांट होता है, बहुत छोटा सा प्लांट है और बड़ी आसानी से आप गमले में या घर में लगा सकते हैं। अगर आप ये देखें तो यहाँ पे एक गमला दिखाया रिप्रेजेंट किया जा रहा है और यहाँ पे बड़ी इजीली इसको लगाया जा सकता है। अगेन कि इस अश्वगंधा के बारे में क्या क्या चीजें रिपोर्टेड है, जो बहुत सारे आपके जो आयुर्वेदिक रिपोर्ट जहाँ संग्रह किया गया है, उन संग्रह में अश्वगंधा के बारे में या सोमनीफेरा के बारे में रिपोर्ट किया गया है। जैसे चर्क्स संहिता और बहुत सारी जो आपकी रिपोर्ट्स हैं जिनमें इनको रिटन किया गया है, जो आपके आयुर्वेद की डॉक्यूमेंट हैं उनमें इनके बारे में बताया गया है। तो अगर हम यहाँ चर्क्स के बारे में बात करें, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इनके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मुलेशंस के बारे में बताया गया, अलग अलग तरह के नाम से बताया गया, और इनकी क्या क्या आपकी प्रॉपर्टीज हैं, एंटी एचिंग, स्किन डिसऑर्डर, एंटी इंफ्लेमेटरी, टीट फीवर और अस्थमा, कफ, इस बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, इन सब के बारे में यहाँ पर बताया गया है, रिपोर्टेड है पुराने जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके जो आयुर्वेद डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें रिपोर्टेड किया गया कि कैसे विदानिया सोमनीफेरा यहाँ पर यूजफुल है, ठीक है। और उनका डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी में, कैसे लिवर टॉनिक में, आपका अस्थमा में, कोल्ड कप में, माइक्रोबियल इन्फेक्शन में, डायबिटीज में, अल्सर में, एंजाइटी में, यूरिनरी प्रॉब्लम्स में इनको बेनिफिट है और इनके उपयोग में आता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि बहुत कौन कौन से प्रोडक्ट्स जो कमर्शियली हैं, बहुत सारे ऐसे कमर्शियली प्रोडक्ट हैं जिनमें आपके अश्वगंधा मिलता है, जैसे डाबर स्ट्रेस कॉम कैप्सूल आयुर्वेदिक है, डाबर इंडिया लिमिटेड फॉर्मुलेशन करता है हिमालय में, तो हिमालय में ये प्रोडक्ट नेम हिमालय करके बन रहा है, हिमालय ग्लोबल इसको बनाता है। तो ये कई तरह के प्रोडक्ट्स हैं जिनमें जो ऑलरेडी कमर्शियली अवेलेबल है, इवन नॉट
कहीं बाहर भी अदर कंट्रीज में इन सब का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे अगर हम अश्वगंधा की बात में बात करें तो यहाँ पे अश्वगंधा अगर आप देखेंगे तो एक सिंपल छोटा सा प्लांट और इसको बड़ी इजीली आप उपयोग में यहाँ लगा सकते हैं। तो नॉर्मली जो विदोनोलाइन विदोफेरेंस की जो कंटेंट है वो आपके रूट्स में ज्यादा पाए जाते हैं एज कम्पेयर टू आपके फ्रूट एंड लीव्स। तो मोस्टली इसकी रूट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उन्हीं से एक्सपोर्ट करके कमर्शियली इनकी प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं। इनके बहुत सारे जो आपके यहाँ पे देख रहे हैं मॉलिक्यूल्स हैं कि आपके विदोफेरिन विदोनोलाइट ए विदोनोलाइट एच स्लाइटली स्लाइटली स्ट्रक्चर डिफरेंस है बस इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज में काफी काफी डिफरेंसेस है। लेकिन ये प्लांट्स जो इनके एक्सट्रैक्ट्स हैं इनके प्रोडक्ट्स हैं इनका उपयोग जो है आपको इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स के फॉर्म में उपयोग किया जाता है। तो ट्रेडिशनल मेडिसिन में बहुत सारे जो जहाँ जहाँ रिपोर्टेड किया गया है आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं कैसे कैसे उनको उनमें यूज किया जाता है। तो अगर हम बात करें कि ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो आपके इसका सुगंधा प्लांट में मेडिसिनल प्लांट में उपलब्ध है जिनको आप बड़ी आसानी तरह से घर पर लगाया जा सकता है तो वो कैसे काम करते हैं उनकी मैकेनिज्म क्या है। जैसे विदोफेरिन ए जो फर्स्ट वन विदोफेरिन ब्लॉक्स द बाइंडिंग ऑफ SARS-CoV-2 टू द होस्ट रिसेप्टर ACE2 जो ACE2 रिसेप्टर्स है उनको ब्लॉक करता है और ये जो आपका कोरोना वायरस है उसके ब्लॉक होने की वजह से क्या है उसका रिप्लिकेशंस वगैरह नहीं हो पाता है। ये रिसेंटली 2020 में रिपोर्ट्स किए गए और बेदनॉन जो आपके रिपोर्ट किए गए हैं आपके जो ब्लॉक्स ये आपका विदनोसाइड बी ब्लॉक्स एंट्री ऑफ द वायरस बाइंडिंग विद द स्पाइक्स एस ग्लाइकोप्रोटीन जो आपकी वायरसेस की स्पाइक्स हैं उनके साथ बाइंड करता है और उनको ब्लॉक है उनकी एंट्री करता है एंट्रीज को ब्लॉक कर देता है। ये आप अगर देखें कि विदोफेरिन ये जो आपकी अश्वगंधा है कितना रिपोर्ट किया गया है इन 2020 मोस्ट ऑफ दीज रिपोर्ट्स आर ऑन COVID-19 SARS-CoV-2। इंटरेस्टेड का पर्सन मे कैन रीड दीज पब्लिकेशन ऑल्सो फॉर देयर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो प्रपोज मैकेनिज्म एक्शन जो आपके विदोफेरिन या विदोनोलाइड इन सब के लिए उपयोग बताया गया है वो यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये आपका जो विदोफेरिन है विदोनोसाइड विदोनोलाइट एम विदोनोसाइड एक्स विदोनोसाइड बी विदोफेरिन ए दे आर दे बाइंड्स विद स्पाइक प्रोटीन और ब्लॉक्स दिस वायरस टू एंटर द ह्यूमन सिस्टम ह्यूमन सेल्स। सो अगर आगे देखें अगर ये अनदर क्या करता है कि विदोनोन जो ब्लॉक्स ACE2 रिसेप्टर्स जो ACE2 रिसेप्टर्स जिसके थ्रू लिंक के थ्रू ये बाइंड करता है और इसके अंदर इस रिसेप्टर के थ्रू एंटर करता है उसी को ये विदोनोन ब्लॉक करता है जिसकी वजह से ये वायरस सेल्स के अंदर एंटर और रिप्लिकेशन के लिए नहीं कर पाता। इनहिबिशन ऑफ प्रोटीएज तो यहाँ पे प्रोटीएज को इनहिबिशन करने के लिए आपका बहुत सारे विदोफेरिन विदोनोन विदोनोसाइड बी विदोनोलाइड ए विदोनोलाइड एम जो बहुत सारे विदोनोलाइड हैं ये आपके उपयोगी मैकेनिज्म रिपोर्ट की गई है कि ये SARS-CoV-2 में ये अश्वगंधा क्यों उपयोगी काम हो रही है क्यों उपयोगी बेनिफिशियल रिजल्ट्स दे रहा है। जैसा कि पहले बताया कि काफी जिनमें पेशेंट्स में ये नहीं दिया जा रहा था और जिनमें दिया जा रहा था ये मेडिसिनल अश्वगंधा ग्लोय तो उनमें आपका फास्टर रिकवरी ऑब्जर्व की गई जो रिपोर्ट की गई है उनके बेसिस पे इनकी मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड किया गया और समझाया गया है रिपोर्टेड इन दिस पर्टिकुलर जर्नल। अनदर इज वेरियस स्पीसीज ऑफ तुलसी। तुलसी जैसा कि सबको पता है कि तुलसी सबके एक बहुत होलिस्टिक प्लांट है और सभी लोगों के घर में मिलता है और उपयोग भी आता है बहुत सारी बीमारियों में। डेली आप घर में चाय में काढ़े में या बहुत सारी चीजों में उपयोग करते हैं और ये तुलसी प्लांट बड़ी इजीली आपके छोटे से गमले में लगाया जा सकता है और आपके घर में आसानी से होता है और ये आपके इम्यूनिटी बूस्टर्स भी है जो आपके बहुत इम्प्रूवमेंट के काम आता है। जैसा कि आपने सुना भी होगा तुलसी पंच तुलसी
जो अर्क जो यूज किया जाता है इम्यूनिटी बूस्टर्स के लिए, वो भी आप इस तुलसी प्लांट्स में जो प्रॉपर्टीज हैं उन्हीं का एक फॉर्मुलेशन है, तो उनको उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें कि आपके तुलसी प्लांट्स में, तुलसी प्लांट्स की जो एक्सट्रैक्ट्स हैं, वेसल्स जो आपके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके उपयोग में आते हैं, वो कैसे किस किस वायरसेस या उनके लिए उपयोग में आते हैं, तो ये आपके इस टेबल्स में बताया गया है कि H9N2 वायरस लाइक। और अगर बात करें तुलसी में जो रोजमेरी केसेस और ओलेनोइक केसेस, यूरिसिल केसेस एंड मिथाइल यूजेनॉल काइंड ऑफ जो मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर वेरी इफेक्टिव इन सार्स को। ये मैकेनिज्म मैन प्रोटीज ब्लॉक्स करते हैं, जिसकी वजह से इन ये आपकी सार्स में भी उपयोगी साबित हो रहे हैं, जैसा रिपोर्ट्स में, पब्लिकेशंस में रिपोर्ट किया गया। अगर हम बात करें आपके हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ तुलसी, जो होलिस्टिक प्लांट है और सभी घर में नॉर्मली मिलता है, कितना ये जो मेडिसिनल प्लांट है हम लोग लगाते हैं और उसका एक्चुअली इतने इम्पोर्टेंस नहीं पता होते। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि हेल्थ बेनिफिट्स, एंटी इंफ्लेमेटरी है, एंटी स्ट्रेस है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी ऑक्सीडेंट है, एनाल्जेसिक है और कार्डियो टोनर है और डाइजेस्टिव है, एंटी एजिंग है, एंटी एलर्जिक है और एंटी डायबिटिक भी है, एंटी फंगल्स भी है। तो बहुत सारी इस तुलसी में प्रॉपर्टीज है। तो आप बात करते हैं कि इस तुलसी के इतनी इम्पोर्टेंस की वजह से ही आज मार्केट में इतने सारे तुलसी के प्रोडक्ट हैं, एंटीवायरल जैसे श्री श्री दिस वन तुलसी, और एंटीवायरल्स के लिए कमर्शियली अवेलेबल है, बहुत सारी अदर पुदीना कॉम्बिनेशन विद तुलसी, पंच तुलसी और ऑसमम कैनम जो आपके अर्क है, ये होम्योपैथी में यूज होते हैं। तो ये आपके तुलसी के ही प्रोडक्ट्स में, तुलसी प्लांट से उपलब्ध है, जो आप अपने घर में बड़ी आसानी से लगा के उन मेडिसिनल प्लांट को आप बेनिफिट्स ले सकते हैं। ऑसिमम जो जिसको तुलसी बोलते हैं, तो अगर बात करें और अन्य चीजों में, तुलसी गोल्ड ग्रीन टी, दिस यू कैन सी ग्रीन टी में भी तुलसी उपयोग हो रही है, तुलसी गिलोय तुलसी जूस जूस नीम एंड तुलसी कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स में, तुलसी जूस जो आपके इम्यूनिटी बूस्टर्स और उन सब के लिए काम में आते हैं, तुलसी की टेबलेट्स, इवन हिमालय भी तुलसी की बना रहा है, तुलसी और उस तरह के, तो बहुत सारी चीजें कॉमर्शियली अवेलेबल है और ये सभी चीजें आपके तुलसी की प्लांट से ही बनी है, विच इज जो एक आपका मेडिसिनल प्लांट है जो आप घर पे लगा सकते हैं, दैट इज मेडिसिनल प्लांट एट योर होम। अब अगर बात करें और तुलसी की, कि यहाँ पे बहुत सारे तुलसी के प्रोडक्ट हैं जो आपके स्किन केयर्स और आपके अदर एंटी एजिंग्स और स्ट्रेस इंप्रूवमेंट के लिए, रिलीविंग दिस लेमन जिंजर स्ट्रेस रिलीविंग एंड रिवाइविंग काइंड ऑफ प्रोडक्ट है, जो आपके स्ट्रेस उन सबको इम्प्रूवमेंट रिलीफ दिलाता है। तुलसी की जो आपके तुलसी के पत्तों और उनके साथ बनती है, तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो आपके लोअर कोलेस्ट्रॉल को लो करता है, रिड्यूस रिस्क ऑफ स्ट्रोक, रिड्यूस स्ट्रेस और लोअर फीवर्स, हेल्प फाइट कैंसर, बूस्ट इम्यून सिस्टम फंक्शंस। तो इन सब का उपयोग में तुलसी बहुत उपयोगी कारगर है। अब अगर बात करते हैं कि जो नॉर्मली हम लोग जानते हैं, बहुत कम टाइप की तुलसी के बारे में जानते हैं, यहाँ हम बताएंगे आपको कि तुलसी की वैरायटी कैसे होती है। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि मेडिसिनल प्लांट या कोई भी प्लांट वो एक इंडस्ट्री की तरह है और हर एक प्लांट की वैरायटी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स को प्रिपेयर करती है। अगर वैरायटी आपने बदली तो आपके उसमें डिफरेंट मॉलिक्यूल होंगे जो आपकी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी और एफिकेसी में फर्क डालेंगे। मतलब कि जैसे एक प्लांट आपने लिया, उसकी दूसरी वैरायटी में लिया, तो अगर दोनों के उपयोग एक ही डिसीज के लिए उपयोग करेंगे तो उनके इम्पैक्ट अलग अलग आएंगे, क्योंकि क्यों दोनों वैरायटी में मॉलिक्यूल्स प्लांट्स के दोनों डिफरेंट हैं, स्पीसीज सेम है लेकिन उनमें वैरायटी चेंज होने की वजह से कॉन्स्टिट्यूएंट
और उनका अमाउंट परसेंटेज दोनों ही डिफरेंट हो जाता है। तो यहाँ मैं बात करते हैं आपसे कि तुलसी जो आपकी कितने टाइप्स की हो सकती है और उन तुलसी में कैसे कैसे होता है। तो यहाँ हम आपको बात कर रहे हैं कि तुलसी जो ऑसिमम सेंटम जो नॉर्मली हम लोगों के घर पे होती है वो तुलसी आपके में क्या क्या इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम एक वैरायटी की बात करें, यहाँ पे कृष्णा तुलसी जो है, जो कृष्णा तुलसी इसमें डिफरेंट टाइप की जो वैरायटी है। तो यहाँ पे अगर हम सिम आयु की बात करते हैं, यहाँ पे सिम आयु और सिम कंचन, तो यहाँ पे जो तुलसी है जिसे नॉर्मली कृष्णा बोल रहे हैं, तो एक में यूजेनॉल है, दूसरे में मिथाइल यूजेनॉल है। दोनों मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स में डिफरेंसेस है, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंसेस है और मेडिसिनल इंपॉर्टेंस दोनों का है। तो एक देखने में काफी कुछ सिमिलर, लेकिन इनकी वैरायटी में बदलने से आपकी इंपॉर्टेंस, मॉलिक्यूलर इंपॉर्टेंस बदल जाती है। सामा तुलसी में अगर हम इस तुलसी की बात करें तो जहाँ यहाँ पे 40% यूजेनॉल आपको मिल रहा है और डिफरेंट अदर मॉलिक्यूल्स हैं। तो ऐसे ही अगर हम बात करें कि बहुत सारे अदर जो तुलसी की वैरायटी है, मिथाइल चोविकॉल टाइप की तुलसी है जिसमें मिथाइल चोविकॉल मॉलिक्यूल्स मिलता है। तो मिथाइल चोविकॉल्स अगर हम सिम सौम्या जो सिम की सीमेप की वैरायटी है और सिम सुधा और विकर्ष सुधा, तो ये डिफरेंट टाइप की वैरायटी है, सभी में जो कंटेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट है और उन कंटेंट की वजह से, हर डिफरेंसेशन की वजह से यहाँ पे इनकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी स्लाइटली डिफरेंट आती है। तो अगर हम बात करें कि आपकी मिथाइल चोविकॉल जहाँ पे हाइएस्ट अमाउंट मिथाइल चोविकॉल है, उसकी एक डिफरेंट वैरायटी है जिसमें आपका मिथाइल चोविकॉल 89% अवेलेबल है। तो ये कहने का मतलब है कि जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं वो घर पे ही नहीं रहे, ये तुलसी जो घर वाले प्लांट थे आज मेडिसिनल इंपॉर्टेंस की वजह से इनके कल्टीवेशन किए जाते हैं और उन कल्टीवेशन के थ्रू बहुत सारे आपके नेचुरल प्रोडक्ट, नेचुरल वेस आज वो आपके प्रोडक्ट हैं, हर्बल प्रोडक्ट्स, उनको बनाया जा रहा है और उनके मेडिसिनल जो बहुत सारी डिसीज में उपयोग में लाया जा रहा है। लेमन सेंटेड मतलब कि जो आपकी तुलसी, ऐसी तुलसी जिसमें अगर आप उसकी टेस्ट करें या आप उसको खाया तो आपको लेमन की जैसी स्मेल्स महसूस हो, लेमन जैसे नेचर्स को महसूस होती। एनदर सोर्स फॉर सिट्रल जनरेशन तुलसी के थ्रू भी किया जा सकता है, मतलब कि वेरियस जो उसके बेसिक मॉलिक्यूल्स के साथ साथ अदर जो आपके हवा इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल हैं वो इसमें उपलब्ध है, तो उनको आप यहाँ पे तुलसी से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिनालूल रिच, बहुत सारी कुछ वैरायटीज ऐसी भी हैं तुलसी की जो आपके लिनालूल रिच भी हैं, जिनमें लिनालूल आपका मिलता है जो आल्सो मेडिसिनल इंपॉर्टेंस रखता है। ओके, तो मिथाइल सिनेमेट बेस वैरायटीज मतलब यहाँ पे उपलब्ध है जिनमें क्या आपकी डिफरेंट कंटेंट है आपके मिथाइल सिनेमेट कंपाउंड के, तो उसमें एनदर आपकी है जो जिसमें आपका मिथाइल सिनेमेट के जो कंटेंट है 78-80%, तो डिफरेंट वैरायटीज हैव ए डिफरेंट। यहाँ पे जो आपको सारी स्लाइडों में दिख रहा है कि जो हर ईल्ड है, वैरायटी है, अगर आप कॉमर्शियली कल्टीवेशन करें तो उस कमर्शियल कल्टीवेशन में तुलसी से मिलने वाले जो ऑयल है आपका हर्ब में कितना आपको मिलेगा और आप इन हर्ब के ऑयल के बेसिस पे कितने आप जो इसमें से एक्टिव मॉलिक्यूल्स जो मेजर कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट आउट करके मेडिसिनल मेडिसिन के फॉर्म में उपयोग में ला जा सकता है, वो भी यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखाया है ताकि ये आपको जानकारी अवेयरनेस हो सके कि तुलसी एक मेडिसिनल प्लांट जो घर घरेलू प्लांट है, डोमेस्टिक प्लांट्स है, वो आज कल्टीवेशंस में भी है और फार्मर्स उसको कल्टीवेट कर रहे हैं आपके इम्पोर्टेंस के लिए, आपको मेडिसिन प्रोवाइड करने, नेचुरल रेमेडीज प्रोवाइड करने के लिए उपयोग की जा रही है। ऐसे ही आपकी ये वेराइटी है। हम आपको एक और वेराइटी बताना चाह रहे हैं कि जो एक वेराइटी है, नॉर्मली सबको पता है कि तुलसी जो आपकी सर्दी के मौसम में आपकी मरने के कगार में मोस्टली खत्म हो जाती है, तो ऐसी वैरायटी, ऐसे रीजन्स जहाँ पे कोल्ड होता है, सर्दी होती है, वहाँ पे तुलसी के प्लांट को लगाना बहुत मुश्किल होता है।
नहीं लग पाते, उनकी सर्वाइवल कंडीशंस नहीं होती। तो ये वैरायटी जो आपकी है, इस वैरायटी में इस तरह से ब्रीडिंग मॉडिफिकेशंस किए गए हैं ताकि ये वैरायटी कोल्ड टॉलरेंस रहे और आपको कई सर्दियों में भी इस ये वैरायटी आपकी लाइव रहे और री अगेन आपको ना लगानी पड़े। तो ये तुलसी आपके जो प्लांट है ये कोल्ड टॉलरेंस है और जिसकी वजह से ये आपकी काफी इंपॉर्टेंस है, और जो कोल्ड एरियाज हैं वहां पे तुलसी को लगाया जा सकता है और वहां के लोग तुलसी से मिलने वाले जो बेनिफिट्स हैं, जो मेडिसिनल इंपॉर्टेंस हैं, उनका बेनिफिट्स ले पाए। ऐसे इनका जो फील्ड कल्टिवेशन है उनको यहाँ दिखाया गया है, कैसे ये कल्टिवेशन होता है और मल्टी क्रॉप कटिंग में कैसे इनको तुलसी को काटा जाता है और उसके बाद उनको यूज किया जाता है मेडिसिन के लिए। अगर तुलसी का जो प्लांट है पान तुलसी, मतलब ये तुलसी प्लांट है, लेकिन अगर आप इसकी लीव्स को च्यू करेंगे, चबाएंगे या खाएंगे तो आपको पान की तरह फ्लेवर आएगा। इसको डेवलप करने का जो मोटिव है कि एक न्यू सोर्स चैबिटॉल, जो आपको पान का जो गुण आता है, पान का जो टेस्ट आता है, वो आपके चैबिटॉल जैसे मॉलिक्यूल्स की वजह से आता है। तो इस ब्रीडिंग प्रोसीजर्स मेथड्स के थ्रू इसमें क्रॉसिंग की गई है ताकि जो आपके ये तुलसी है इसमें आपको चैबिटॉल के गुण मिल पाए और आपको इस तुलसी के खाने से आपको जो गुण मिले वो आपको पान जैसे गुण आपको फीलिंग्स आए और आपके हेल्थ के लिए जो अदर इश्यूज हैं, जो बहुत सारा उस तरह की चीजें खाते हैं, तो उनके लिए भी बेनिफिशियल रहता है और आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से उपयोगी बनाता है। यहाँ पे अगर हम बात करें कि और तुलसी जो एक आपकी तुलसी है जिसमें आपके अदर मॉलिक्यूल्स की यील्ड्स है, गामा टर्पीन, टर्पिनिन कंटेंट, थाइमोल कंटेंट, जो थाइमोल आप जानते हैं जो अजवाइन सत जो होता है, जो थाइमोल वो अजवाइन से मोस्टली निकाला जाता रहा है जो नेचुरल है, और उस कॉन्टेंट को तुलसी में भी लिया गया है और उस की वजह से इस तुलसी को खाने से आपको थाइमोल जैसे गुण आपको मिलेंगे और थाइमोल जैसी प्रॉपर्टीज आपको फीलिंग होगी। तो दिस इज वन न्यू सोर्स फॉर थाइमोल। अनदर इज दिस टाइप ऑफ तुलसी कैन यूज इन दैट प्रोडक्ट रिमेडीज जहां पे आपको नेचुरल थाइमोल कंटेंट की आवश्यकता है। अनदर हम बात करते हैं आपसे जो आपका मेडिसिनल प्लांट है जो एट होम के लिए, एलोवेरा। एलोवेरा आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट है जिसका उपयोग आज ही नहीं, बहुत बरसों से होता रहा है। शायद जो भी अगर इसमें पुराने लोग जुड़े हुए हैं जो इसको ऑडियंस में है, उन्होंने एलोवेरा के उपयोग में जो पुरानी थेरेपी हुआ करती थी उनको भी उपयोग किया होगा, वुंड हीलिंग के लिए, एंटी माइक्रोबियल्स के लिए, एंटी ऑक्सीडेंट के लिए और इंफ्लामेटरी एंटी इंफ्लामेटरी एक्टिविटीज के लिए, इन सब के लिए उपयोग किया जाता है। क्यों ये इतना उपयोगी है, ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से इस प्लांट में इतनी इंपॉर्टेंस है? इफ आई टॉक अबाउट दिस, बात करें उसके बारे में, लीफ एक्सट्रैक्ट कंटेन 99.5% वाटर एंड 75 एक्टिव कंपाउंड्स इंक्लूडिंग विटामिन, नंबर ऑफ विटामिन ए, बी वन, बी टू, बी थ्री, B6, B9, B12, C and E, various vitamins आपके इस प्लांट में उपलब्ध है। Another is minerals, zinc, selenium, sodium, magnesium, manganese, potassium, copper, calcium टाइप को, बहुत सारे जो आपके minerals हैं required है body system को, वो भी इसमें उपलब्ध है। Amino acids, enzymes जो आपकी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो काफी इसमें उपलब्ध है। और ये प्लांट बड़ी आसानी से, बहुत इजीली आप किसी भी घर में पॉट में लगाया जा सकता है और डायरेक्टली लोग इसको स्किन केयर्स में भी इसके जो मटेरियल्स है इसको यूज करते हैं, आपके स्किन केयर में जेल टाइप का जो मटेरियल है इसको यूज करते हैं स्किन केयर्स में। अगर हम बात करें, आपने जो भी पुराने लोग हैं उन्होंने खाया होगा इस टाइप के एलोवेरा जूस और
स्वीट्स जो लड्डू बन होते थे, कि एलोवेरा जेल्स जो निकलता था उसके लड्डू बनाए जाते थे डिफरेंट, और वो आपके कई सारी जो इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं या बॉडी में आपको जो एंटी इंफ्लेमेटरी एक्टिविटी उन सब के लिए उपयोगी साबित हुआ करते थे। तो इन प्लांट के बारे में अगर बात करें फिर वही कि जो आपके स्किन केयर्स में, तो सनस्क्रीन में, एलोवेरा जूस विद फ्रूट्स, फेस वॉश में, मॉइस्चराइजर क्रीम में, शॉवर जेल्स में, स्किन डिफेंस क्रीम यूज करते हैं, हीट लोशंस में, और स्किन केयर जेल एंड फर्स्ट एड एसेंशियल्स में इसको उपयोग किया जा सकता है, किया जाता है। बहुत सारे प्रोडक्ट भी उपलब्ध हैं जैसे पतंजलि में दृढ़ कुमारी स्वरस एलोवेरा जेल, वेरस जूस, एलोवेरा जूस वैद्यनाथ, पतंजलि एलोवेरा जेल, जिनका उपयोग किया जाता है। और इनके अदर बेनिफिशियल्स जो आपके हैं, हेल्प्स टू बूस्ट द इम्यून सिस्टम, हेल्प्स टू क्यूरिंग द वुंड्स एंड हेल्प्स टू रिड्यूसिंग द एथराइटिस पेन, हेल्प्स इन एलिवेटिंग द नोजिया एंड हेयर ग्रोथ, प्रमोट्स हेयर ग्रोथ, और हेल्प्स इन लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल, हेल्प्स इन क्यूरिंग डर्मेटाइटिस, एंड दिस इज हेल्प्स इन डीलिंग the aging process, that means anti-aging properties. So this aloe vera also have a various important properties. This is very useful for human being, and this aloe vera have a various important molecules like minerals, vitamins and enzymes. This is very useful for human health. तो जिसकी वजह से इस एलोवेरा को काफी उपयोग में लाया जाता है। अगर इवन सम लोग सम बर्निंग्स फीलिंग्स जो होती है उनमें भी एलोवेरा जूस जेल्स को उपयोग किया जाता है। लिटिल नॉलेज अबाउट दिस फैक्ट द एलोवेरा हाउ व्हाट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स इज प्रेजेंट इन दिस एलोवेरा प्लांट। इफ यू टॉक अबाउट दिस, तो यहाँ पे अगर आप लिस्ट में देखें तो इनऑर्गेनिक मिनरल्स इंग्रेडिएंट्स नंबर ऑफ मिनरल्स आर अवेलेबल, दिस विटामिंस और इनका कहाँ कहाँ क्या उपयोग है वो भी आपके इस प्लांट्स में बहुत सारी विटामिंस उपलब्ध हैं, एंजाइम्स व्हाट काइंड ऑफ नंबर ऑफ एंजाइम्स जो आपके इसमें प्रेजेंट है, अमीनो एसिड्स नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट है, एसेंशियल अमीनो एसिड्स इवन सेकेंडरी अमीनो एसिड, ये सभी आपके इसमें प्रेजेंट होने की वजह से ये प्लांट काफी उपयोगी है। और बहुत सारी जो आपकी उसमें यूजफुल है जैसे ये आपके मॉलिक्यूल्स हैं इनका उपयोग किया जाता है, जिसकी वजह से ये प्लांट काफी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज को रखता है। अगर बात करें मेथी, जो भी बड़ी आसानी से आपके मेडिसिनल हर टाइप या वेजिटेबल्स इसे उपयोगी है, और यहाँ पे अगर हम बात करें आपकी मेडिसिनल इम्पोर्टेंस की मेथी प्लांट्स आपकी मेथी सीड्स, तो यहाँ पे आपको बताया गया बहुत सारे जो इम्पोर्टेंस हैं यहाँ पे हेल्थ के लिए, क्योर कॉन्स्टिपेशन, जॉइंट पेन एंड फाइट द फ्लू एंड क्रोल्स एंड अदर वेरियस कंट्रोल डायबिटीज कोलेस्ट्रॉल लेवल्स एंड हार्ट हेल्थ, इन सब में मेथी का उपयोग किया जाता है। आपके गुजरात में जो मेथी थेपला जो बनता है, शायद मैंने भी बहुत काफी बार खाया है, और इनका भी उपयोग शायद इस मेथी का मेडिसिनल इम्पोर्टेंस है, जिसकी वजह से इस तरह की जो आपके फूड प्रोडक्ट हैं उनमें इनका मेथी का उपयोग किया जाता है। बहुत सारे इसमें एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, वो नंबर ऑफ एक्टिव कंपाउंड्स इसमें कौन कौन से में उपलब्ध होते हैं और क्या उनकी वजह से ही इसमें आपकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है। अनदर बात करें आपसे अजवाइन, जो शायद सभी घर में होती है, अभी हमने आपको बताया था थायमोल रिच तुलसी, तो जहां पे थायमोल रिच थी वहां पे थायमोल नॉर्मली जो नेचुरल थायमोल है वो आपके इसके थ्रू बनाया जाता है, और उस
थाइमोल कंपोनेंट्स जो है एंटी माइक्रोबियल, एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी कार्सिनोजेनेसिस, एंटी इंफ्लामेटरी एंड एंटी पाजमोडिक एक्टिविटी आपको मिलती है, और इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स भी की तरह भी उपयोग आता है। तो ये जो थाइमोल है आपके, जो अजवाइन है, जो आपके उनमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज की वजह से उपलब्ध होता है। अगर हम बात करें आपसे कई सारे ऐसे मेडिसिनल प्लांट जो आपके सम प्लांट्स तो घर पे बड़ी आसानी से लगाए जा सकते हैं, और उनकी आपकी इम्पोर्टेंस क्या है और कहाँ उनके उपयोग होते हैं। जैसे एलोवेरा हम आपसे बात कर चुके हैं, अश्वगंधा भी आपको बताया कितनी इम्पोर्टेंट है, आपकी टर्मरिक भी आपसे बात की, तुलसी भी बात की, कोरिएंडर जो आपकी उनका किस तरह से उपयोग होता है, ब्लैक पेपर आपके स्टोमेटिक इनहांस हंगर और कम्युनिटी इनहांस रिकेस्टेशंस एंड क्लोव्स, डेंटल एनाल्जेसिक्स जो यूजिनॉल की वजह से आपका एनाल्जेसिक्स इम्पोर्टेंस है, यूजिनॉल इसमें क्लोव्स में उपलब्ध होता है और जिसकी वजह से आप इनको मेडिसिनल की तरह उपयोग करते हैं। अनदर वेरियस अदर प्लांट्स जिनके कुछ सम ऑयल्स हैं जैसे वेटिवर ऑयल्स, मेंथा ऑयल, यूकेलिप्टस ऑयल्स, इन सब को भी कई तरह के आपके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज की वजह से उपयोग किया जाता है। तो ये जो मेडिसिनल प्लांट हैं, इन मेडिसिनल प्लांट को आप घर पे लगाया जा सकता है। जैसे सिट्रोनेला ऑयल, ये सिट्रोनेला स्मॉल प्लांट है, मॉस्किटो रिपेलेंट प्रॉपर्टीज दूर रखता है, जिनको मॉस्किटो इस की स्मेल्स की वजह से मॉस्किटो रिपेल होते हैं, नहीं आते, तो ये मेडिसिनल प्लांट्स ही हैं। अगर हम बात करें आगे आपसे मेंथॉल, जिसको हम हिंदी में पुदीना बोलते हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें आपको कूलिंग जैसी फीलिंग जो आती है वो आपके मेंथॉल्स की वजह से आती है, और इनकी प्रॉपर्टीज की वजह से इनको उपयोग किया जाता है। इस मेंथॉल की वेरियस प्रॉपर्टीज एनाल्जेसिक एंटीवायरल काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज की वजह से उपयोग किया जाता है। तो देखते हैं कि मेंथॉल का प्रोडक्शन कैसे होता है, मेंथॉल का प्लांट कितना बड़ा होता है और उनकी क्या उपयोगिता है। तो मेंथॉल्स के जो सोर्सेस हैं, जो भी सिंथेटिक नेचुरल जो आपके मेंथॉल्स हैं उनका उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें जो मेंथा जिस मेंथॉल, यहाँ पे कई सारी वैरायटी है नेचुरल्स के लिए, जापानीज पेपरमेंट, सुपर स्पीयरमेंट, बर्गामोट मेंट। तो यहाँ पे हम आपको बताना चाह रहे हैं कि मेंथॉल के इम्पोर्टेंस के साथ कि ये कैसे ये प्लांट जो आपका आज प्रोडक्शंस मेंथॉल का नेचुरल प्रोडक्शंस में इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्री इन द वर्ल्ड में एक इम्पोर्टेंट कंट्री है जिसकी वजह से यहाँ नेचुरल प्रोडक्शंस काफ़ी हाई हुआ है, कैसे एक गमले से फील्ड तक पहुँचा और उसका प्रोडक्शंस होना शुरू हुआ। तो मेंथॉल के बारे में बहुत सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे बात की जा रही हैं। यहाँ पे अगर बात करें इंडियन रेजुलेशंस ऑफ ऑन मेंथा एंड रोल ऑफ अवर इंस्टीट्यूट सीमैप, तो यहाँ पे जो मेंथा प्रोडक्शंस के लिए जो इसकी वैरायटी है मेंथा हर्वेंसिस, जिसको जापानीज मिंट भी कहा जाता है, इसकी शुरुआत कब हुई 1953 के आसपास, और फाइव सकर्स, फाइव जड़ जो है उसकी गिफ्ट में आई थी जापान से, प्रोफेसर ने भेजी यहाँ इंडियन साइंटिस्ट को, और उन्होंने उसको गमले में लगाकर उस फाइव जड़ों के थ्रू एक प्रोडक्शंस किया, धीरे धीरे गमले से स्मॉल फील्ड से फिर उनको मल्टीप्लाई करते हुए उसको फील्ड में लेके आए, और आज इतना कल्टीवेशंस है और सीमैप के जो कंट्रीब्यूशंस की वजह से आज इंडिया की सिचुएशंस टॉप मोस्ट में है। इंडिया का जो मेंथॉल प्रोडक्शंस है नेचुरल मेंथॉल, उनमें वन ऑफ द कंट्री है जिसकी वजह से जो प्रोडक्शंस कर रही है। अगर हम बात करें इंडिया एक्सपोर्ट्स मिंट प्रोडक्ट्स, इन जो मिंट की जो बात करें, जो मेंथॉल है स्मॉल प्लांट्स है जिनको घर पे लगाया जा सकता है, लेकिन इसके डायरेक्ट यूज
के लिए डिफरेंट इश्यूज हैं, क्योंकि इसमें अदर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, तो उनके जो सेपरेशन की टेक्निक है या इस विंड को डायरेक्टली यूज नहीं किया जाता मेडिसिनल के लिए। लेकिन जो मेंथॉल एक्सट्रैक्शंस के बाद मॉलिक्यूल्स आते हैं वो आपका कैसे इंडिया टॉप मोस्ट बना और उनका कई सारी कंट्रीज में जो ये आपका एक्सपोर्ट्स है, अगर आप देखें यूएसए, चाइना, सिंगापुर एंड अदर कंट्रीज में इनको एक्सपोर्ट किया जाता है। अगर हम बात करें गुजरात के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वेरियस जो मेडिसिनल प्लांट हैं, वेरी स्मॉल मेडिसिनल प्लांट, दे आर बीइंग कल्टीवेटेड इन आल्सो गुजरात। गुजरात में अगर कल्टीवेशन की बात की जाए तो डिस्टिलेस पामोराजा जो गुजरात में कल्टीवेट किया जाता है, जो आपके बहुत सारे कई मेडिसिनल प्रॉपर्टीज रखता है। तुलसी, ये आपका गुजरात में बड़ौदा में हो रहे हैं आपका कल्टिवेशन, और पामोराजा आपके कच्छ रीजन्स में गोजरापर और जैसे एरियाज में इसका कल्टिवेशन किया जा रहा है। तो यहाँ पे ये जो फार्मर्स हैं उनके कल्टिवेशन हो रहा है। तो यहाँ पे अब आपको बताना चाह रहे हैं कि ये जो कल्टिवेशन या प्लांट्स की बात करें, केवल प्लांट्स के जो मेडिसिनल है, जो आप मेडिसिनल चीजों को उपयोग करते हैं, इनके जैसे फ्लावर्स हैं, इनके भी प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, इनकी चीजों को भी उपयोग किया जा सकता है। और इनके लिए आवर इंस्टीट्यूट इज आल्सो प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग आल्सो, और कई सारी चीजों में बच्चे, स्कूल्स, चिल्ड्रंस जो आके ट्रेनिंग्स भी लेते हैं यहाँ पे। और भी जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एलोवेरा जेल फॉर्मेशन की ट्रेनिंग दी जा रही है और उनसे एलोवेरा जेल डेवलप किया जाता है। नाउ द लेक्चर इज ओवर। तो यहाँ पे जो हम बताना चाहते हैं कि आपको मेडिसिनल प्लांट जैसे तुलसी है, एलोवेरा है, आपका मिंट है, और आपकी ये जो अदर टाइप के जो प्रोडक्ट हैं, जो प्लांट्स हैं, उनको आप घर में गमले में लगा सकते हैं, उनके उपयोग ले सकते हैं, और उनका उपयोग करने के साथ साथ जो प्लांट आपको ऑक्सीजन तो प्रोवाइड कराएगा ही, साथ ही साथ इम्यूनिटी बूस्टर्स में भी इन प्लांट का उपयोग किया जा सकता है। अश्वगंधा जो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप प्लांट है, जो आपके हेल्थ के लिए, इम्यूनिटी बूस्टर्स के लिए बहुत सारी रिपोर्ट्स जो रिसेंट भी आई हैं उनमें आपको रिपोर्ट किया गया है कि कैसे वो आपके उपयोगी है और उनका उपयोग किया जाना है। तो यहाँ पे इन्हीं सभी प्लांट्स का उपयोग जो आप घर पे करना चाहते हैं और बड़ी आसानी से इनको कल्टीवेट कर सकते हैं और इनका उपयोग किया जा सकता है। थैंक यू। थैंक यू सर। कोई प्रश्न हो तो भाई पार्थ भाई। हेलो, मैं आंसर दिस स्लाइड को आंसर कर दूं? यस सर, यस सर। थैंक यू सो मच सर। आपने हमें बहुत सारी ऐसी जानकारी दी जो हमारे घर पे जो प्लांट्स घर पे अवेलेबल है उसका हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, कहाँ ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे कांटेक्ट में रहते हैं पर हमें इसका पता नहीं। थोड़े बहुत क्वेश्चन है जो हमने हमारे तक आए हैं, मैं आपको शेयर करती हूँ। नवीन संघवी जी का एक क्वेश्चन है कि आपने जैसे अश्वगंधा के बारे में बताया था, उसका प्लांट अभी ऐसा होता है कि हमारे घर पर, कई घर पर नहीं होता है और तो इजीली अवेलेबल नहीं है, तो कैसे हम ये ले सकते हैं? अश्वगंधा जो प्लांट है, अब आप लोग गुजरात में हैं, नहीं तो अगर यहाँ होते तो हम अपने सीमैप संस्थान से ही दिलवा देते। तो मोस्टली जो आपके नियरेस्ट जो आपके संस्थान है या जो नर्सरीज हैं वहाँ पे भी उपलब्ध हो जाएंगे, और अगर आप यहाँ से चाहेंगे तो आपको उपलब्ध कराए जा सकते हैं इन फ्यूचर में, कि यहाँ से आपको प्लांट्स उपलब्ध करा दिया जाए। क्योंकि यहाँ गुजरात और लखनऊ में काफ़ी डिस्टेंस है, हम लोगों के यहाँ होता है, और अब मोस्ट प्रोबली अगर कोई कल्टीवेट नर्सरी में कुछ अवेलेबिलिटी होगी वहाँ पे इंफॉर्मेशन, तो हम हर्षद जी को शेयर करेंगे, वो आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। थैंक यू सर जी।
दूसरा क्वेश्चन है उनका ही कि शरीर की जो हमारे बॉडी की जो फैट है उसको बर्न करने के लिए कौन सा हमारे होम का कौन सा प्लांट यूज कर सकते हैं? बहुत सारी रिपोर्ट्स अलग अलग रिपोर्टेड है, कई सालों में जैसे अगर हम बात करें मेथी के लिए भी लोग बोलते हैं कि आपका एंटी ओबेसिटी प्रॉपर्टीज रखता है और उनका उपयोग करने से भी आपकी जो फैट है रिड्यूस होता है, लेकिन कई ऐसी चीजें हैं कि जो आपको रेगुलरली करनी होती है। मेडिसिन जो आपकी आयुर्वेदिक है उनको प्रॉपरली एक अमाउंट में लेना होता है और रेगुलर करना होता है। और जो आपकी जैसे हमने बताया कि आपका शुगर के लिए जो आपका हमारा VGR 34 है उसमें क्या किया है कि बहुत सारे शुगर रेगुलेशन के लिए बहुत सारी चीजों के मिला के एक बनाया गया प्रोडक्ट जो क्या करता है रेगुलेट करता है। अगर आप उसको रेगुलर टाइम में लेते हैं तो वो क्या करता है कि जो शुगर को समाप्त तो नहीं किया जाता लेकिन उसकी जो डिसीज है उसके रेट को धीरे धीरे कम किया जा सकता है। तो ठीक इसी प्रकार जो आपके कई सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, जैसे मुझे तो अभी जो करंट मेरी जो नॉलेज है कि भाई मेथी को भी आपको शुगर के लिए यूज करते हैं, आपके जो लेमन्स हैं लेमन ग्रास उसको भी उपयोग किया जाता है कि उसकी जो जो नॉर्मली लोग चाय पीते हैं या टी पीते हैं तो लेमन ग्रास दोनों काम में भी आता है कि आपका फैट रिडक्शन में भी और एंटी एजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उपयोग किया जाता है। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम हेयर की ट्रीटमेंट में मेथी के बीन्स का यूज करते हैं, मेथी दाने का यूज करते हैं, तो हम इसके ऑप्शन में हमारे पास जो हरी मेथी के पत्ते हैं उसका यूज कर सकते हैं और कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी है, मोस्ट प्रोबेबली आयुर्वेदिक डॉक्टर्स कैन एक्सप्लेन मोर एप्रोप्रिएटली कि इनका कैसे होना चाहिए, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट डिफरेंसेस जो आपके सीड्स में और लीव्स में है बहुत इतना बड़ा नहीं है, सम मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं और सम उसमें नहीं अवेलेबल, ये लिटरेचर चेक करने पड़ेंगे कि उसके बाद जो आपकी लीव्स में है, मैंने जो मुझे जानकारी है कि लीव्स और सीड्स दोनों को हेयर इम्प्रूवमेंट के लिए उपयोग किया जाता है, दोनों को उपयोग किया जाता है। और नॉर्मली क्या करते हैं लोग जो लीव्स लेते हैं और उस लीव्स को वो उसके एक्सट्रैक्ट को निकालते हैं, जैसे पुश करके उसके जो निकाला जाता है पानी टाइप का जो निकलता है रस जिसे बोलते हैं, उस रस को सीधे ही लोग लगा लेते हैं या क्या करते हैं लोग जो मिक्सी वगैरह में क्रश किया लीव्स को और उस लीव्स को सर पे जैसे डाई या उस तरह से लगाते हैं तो कुछ टाइम के लिए लगाया जाता है, लेकिन साथ में जो उसके अदर इम्पोर्टेंस फैक्ट हैं वो मोस्ट प्रोबेबली का आयुर्वेदिक डॉक्टर ही एप्रोप्रिएटली प्रिस्क्राइब और डिफाइन कर पाएगा। थैंक यू सर। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास हम मिंट ग्रो घर पर कर सकते हैं, आपने जो मिंट के बारे में बोला, तो हमारे पास ग्रीन मिंट अवेलेबल नहीं है और हमें ग्रो करना है तो कोई उसका बीन्स का वगैरह कुछ मिल सकता है? नहीं, ये जो मिंट ग्रो होती है इसमें बीज नहीं होते, ये जो रूट होती है ना, जैसे हम लोग पुदीना जो होता है ना, पुदीना मोस्ट प्रोबेबली सभी लोग जानते होंगे जो अभी इस सीजन में आना शुरू होगा, उसकी भी बीज नहीं लगाए जाते, उनकी रूट लगाई जाती है। अगर आप उनकी रूट लगाएंगे कहीं पे भी, जैसे आप मार्केट से पुदीना लाते हैं, क्योंकि ये जो हमने आपको मिंट दिखाई मिंटा अर्बेंसिस ये एडिबल नहीं है, ये खाने के लिए नहीं है, ये आपके क्या है कि मेंथॉल प्रोडक्शन अमाउंट इसमें ज्यादा है, इसलिए ये क्रॉप जो है प्रोडक्ट के लिए नेचुरल प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए, लेकिन जो एडिबल जो आपके मिंट्स हैं जो आप घर में यूज करते हैं घरेलू मिंट्स हैं उनको आप घर पे उनके जो रूट्स हैं उनको लाके लगा सकते हैं, बड़ी इजिली ग्रो कर जाते हैं, लेकिन जो उनके पानी के रिक्वायरमेंट है क्योंकि ये नमी वाले एरिया में अच्छे से उगते हैं, अगर आपने देखा हो तो जो पुराने गाँव में या उस तरह से जो नल के पास जो पानी भरा रहता है तो वो लोग ज्यादातर उसके आसपास ही लगाते हैं, या ट्यूबवेल जो आपके गांव में होते हैं जिससे सिंचाई वगैरह कर रहे होते हैं, या आपका जो आपके गुजरात में तो मोस्ट प्रोबेबली सलाइन वाटर ग्राउंड वाटर उतना नहीं यूज कर रहे, तो जो वाटर सप्लाई जहाँ थोड़ा सा पानी रहता है वहां पे आपका
इस मिंट को लगाया जाता है, क्योंकि ये मिंट जितनी भी हैं इनको वाटर अमाउंट ज्यादा रिक्वायर्ड होता है और इनकी जड़ें लगाई जाती हैं। जी सर। मिंट के ऊपर एक और क्वेश्चन है, जो प्रोडक्ट में हम मिंट का यूज करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो हमारे पास हमारे घर पे हरा पुदीना हमने ग्रो किया है, तो हम डायरेक्ट उसका यूज करना चाहे स्किन के लिए, तो कैसे कर सकते हैं? जैसे हरा पुदीना है, आपको पता है कि जैसे पुदीना जो डावर का आता है, जो पुदीना हरा करके आता है, जिसमें आपका पुदीना होता है और उसमें पुदीने के गुण होते हैं, तो नॉर्मली अगर आपको ध्यान हो कि पुराने जो बुजुर्ग लोग होते थे, दादी या बड़े लोग, वो हमेशा अगर आपको इनडाइजेशन हो जाए या वॉमिटिंग हो तो वो बोलते थे कि पुदीने की चटनी बना के इनको दे दो। तो ये एप्लीकेशंस ऑलरेडी आप कर रहे हैं कि पुदीने की चटनी या पुदीने के साथ आप कई सारी चीजों को बना रहे हैं और उनको ले रहे हैं। और इवन समटाइम्स अगर आपको स्किन्स के लिए रिक्वायर्ड है, क्योंकि मिंट थोड़ा सा एचिंग सेंसिटिव टाइप की होती है, कि अगर आपने बहुत ज्यादा मिंट लगाया तो आपको कूल और बर्निंग जैसी फीलिंग्स आएगी, जैसे आप आइस को बहुत देर रखें तो आपकी प्रॉब्लम होने लगती है, लेकिन थोड़ा बहुत देर के लिए रखा है आपने गर्मी में तो आपको आइस अच्छा लगेगी। ऐसे ही यहाँ पे मिंट भी है कि आप नॉर्मली इसके पेस्ट या उस तरह से भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज लोग मोस्टली जो घरेलू मिंट है उनको इडिबल फॉर्म में यूज करते हैं, कि आपने उसको खाया, आपके ब्लड प्योरिफिकेशन या आपके इंडाइजेशन या एंटीवायरल एक्टिविटीज के लिए जो मिंट है उनकी चटनी, या उनको पीस के गोली टाइप का बना के जो बना के लेते हैं, उस तरह से लोग लेते हैं। सर थैंक यू सर। लास्ट क्वेश्चन है उर्वश पटेल का, जी तुलसी प्लांट नीचे से सूख रहा है उनका, तो वो क्या सॉल्यूशन, उसका सॉल्यूशन क्या है? पर ये कौन सी सिचुएशन में हमको भी पता नहीं, पर उन्होंने उन्होंने क्वेश्चन किया है, तो हमने आपके साथ कौन शेयर सा किया। प्लांट है? तुलसी का तुलसी का प्लांट, नीचे से सूख रहा है उनका। उसकी अब ये है कि अब आपको बताया भी नहीं होगा कि उन्होंने ऊपर जो लीफ है, लीफ की सिचुएशंस क्या है। जैसे कोई भी प्लांट रहता है कि समटाइम्स क्या होता है कि आपके बैक्टीरियल टाइप या फंगस इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपके जो इंसेक्ट्स तो है ही हैं, और उसके साथ साथ क्या होता है कि जो आपके फंगस अगर लग गई है इवन इन रूट में, तब भी इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। तो अगर उस तरह का कुछ है, तो अगर कोई आपके कीड़े हल्के छोटे मोटे हैं, तो आप जो होम रेमेडी है वो भी कर सकते हैं, कि आप होम रेमेडी में आप नहीं चाहते कि भाई कोई उस तरह की जो सिंथेटिक जो फार्मूले हैं उनको आप यूज नहीं करना चाहते, तो लोग जो एस है, जो राख बोलते हैं जिसको, लकड़ी की जली हुई या उस तरह की, उसको भी उपयोग करते हैं, उसके ऊपर तुलसी के ऊपर पूरा छिड़काव कर देते हैं, तो उसके बाद भी इस तरह के छोटे अगर इंसेक्ट की वजह से हो रहा है तो इम्प्रूवमेंट आ जाएगा, लेकिन अगर वो कोई फंगस की वजह से हो रहा है तो उसके फंगस के प्रॉपर मेडिसिन, जो मेडिकल ट्रीटमेंट है, उस तरह से देना पड़ेगा उसको, आपको एंटी फंगल मटेरियल्स आपको डालने पड़ेंगे, तभी वो इम्प्रूवमेंट कर पाएगा। थैंक यू सो मच सर फॉर यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड फॉर दिस अमेजिंग सेशन। आगे जी का मैं हर्षद भाई को, आगे का जो हैंडलिंग है मैं हर्षद भाई को सौंपती हूँ। हर्षद भाई थैंक यू सो मच सर, जी थैंक बहुत ही इंटरेक्टिव सेशन रहा हमारा। बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन भी पूछे यहाँ पर यूट्यूब के अंदर, उसमें से जो भी वैल्यूएबल क्वेश्चंस थे वो हमने आपके साथ शेयर भी किए। तहे दिल से मैं सभी पार्टिसिपेंट्स का यहाँ मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। थोड़ी इंफॉर्मेशन मैं उनके साथ साझा करना चाहता हूँ। ये जो पूरा वेबिनार सीरीज है, जो समर कैंप वर्चुअल मोड पर जो गुजरात काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरे राज्य में कल से शुरू हुआ है, आज दूसरा दिन था, वो आज खत्म हो चुका है, कल तीसरा दिन, दो सेशन रहेंगे हर दिन। 10 जून तक ये पूरा वेबिनार सीरीज है, वो दो टाइम सुबह 10:30 बजे और शाम 5 बजे, दो सेशन में रहेगा। गुजरात के जितने भी कम्युनिटी साइंस सेंटर और रीजनल साइंस सेंटर है वो सभी इसमें अपना रोल अदा करेंगे। आज का दिन रीजनल कम्युनिटी साइंस सेंटर भावनगर की ओर से था, हमारा ये दोनों सेशन यहाँ पर हमने खत्म किए।
विज्ञान केंद्र भावनगर ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज जो अभी फिलहाल जो पोजीशन है उसमें ऑनलाइन मोड से कर रहा है। आप हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल जो जिसमें से अभी हम लाइव जा रहे हैं उसको आप सब्सक्राइब कीजिए, हमारा इंस्टाग्राम, हमारा ट्विटर, हमारा फेसबुक, हमारा फेसबुक पेज, हमारा लिंक्डइन, जो भी सोशल मीडिया है, हमारा इंस्टाग्राम वगैरह, आप सभी पर लोक विज्ञान केंद्र या KRCSC कल्याण रीजनल कम्युनिटी साइंस सेंटर का शॉर्ट है KRCSC भावनगर का फॉलो कीजिए। हमारी टेलीग्राम के अंदर एक चैनल है जिसमें हम हर रोज एक नया क्वेश्चन जो बहुत सारी नॉलेज दे जाता है, ऐसा हर एक दिन एक नया क्वेश्चन और दूसरे दिन उनका आंसर देंगे हम, आपको वो क्वेश्चन अटेंड करना है, बहुत अच्छा उनका प्रतिभाव मिल रहा है हमें, तो आप उनको भी सब्सक्राइब कीजिए। लोक विज्ञान केंद्र भावनगर जो टेलीग्राम के अंदर हमारी चैनल है उसमें भी ये सारे अपडेट्स आते रहेंगे। यहाँ पर मैं इस कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर गुप्ता सर का मैं यहाँ तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम जो नेट कनेक्टिविटी नहीं मिल रही थी घर पर तो आपने वापस आकर CSIR से हमारे साथ लखनऊ से जुड़े। नेक्स्ट हम हर साल आपको एक बार तो इनवाइट करते हैं, फिर भी इस साल भी हम जब ये पूरी पोजीशन हमारे कंट्रोल में अंडर आ जाएगी, जब सही हो जाएगा, बाद में हम आपको फिर से फिजिकल इनवाइट करेंगे। थैंक यू सर। नर को हमारा एक अपील है कि आप ये जो कंडीशन है हमारी कोविड की उसमें सिर्फ एक ही हमारे पास अभी ऑप्शंस है और वो है वैक्सीनेशंस। जो भी 18 वर्ष से ज़्यादा जिसकी भी उम्र है, आपके पेरेंट्स हो, आपके भाई बहन हो, सभी को आप खुद रिक्वेस्ट कीजिए, उनको बोलिए आप वैक्सीन लगवाए, क्योंकि वैक्सीन लगवाने से हम कोविड के खिलाफ अपनी बॉडी को हम एक तरह से हम उनके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। वैक्सीन लगाने से कोविड नहीं होगा ऐसा कोई साइंटिफिक हमारे पास प्रूफ नहीं है, लेकिन सिर्फ इतना कि आप वैक्सीन लगाएंगे तो ये जो कोविड की इफेक्ट है वो आपके शरीर के अंदर बहुत ही कम दिखाई देगी, उनके से बहुत सारे प्रूफ है। कोविड की वैक्सीन जो भी हमारे पास है, 3 हमारी खुद की और 2 अन्य देशों की, उनका कोई भी साइड इफेक्ट आज तक साइंटिफिकली प्रूफ नहीं हो पाया है। तो आप वो जो व्हाट्सएप वगैरह जो भी सोशल मीडिया में बहुत सारे जो उनके खिलाफ जो मैसेजेस है उनको आप इग्नोर कीजिए, आप अपने पेरेंट्स को इस बारे में जागरूक कीजिए और उनको वैक्सीनेशन सेंटर पर ले जाइए। आपके नियर अबाउट जो भी अर्बन हेल्थ सेंटर रहेगा, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर रहेगा, पब्लिक हेल्थ सेंटर रहेगा या कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल वगैरह जो भी है वहाँ आप जाइए, उनके साथ अगर जाना पड़े तो जाइए, अगर उनको पता नहीं है प्रॉपरली तो आप जाइए और उनका वैक्सीनेशन करवाइए। हमारी ओर से आपको बहुत ही अंतर दिल से हम आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर उनका वैक्सीनेशन होगा तो हम अपने पेरेंट्स या अपने जो भी रिलेटिव्स हैं उनको हम कोविड के खिलाफ हम बचा सकेंगे, और यही एक हमारे लिए फिलहाल एक ऑप्शन है। और आप सभी को फिर से मैं बहुत ही आपको मैं यहाँ से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने पेरेंट्स को इस बारे में आप जागरूक कीजिए। इस सेशन को हम यहाँ पर विधिवत कंप्लीट करते हैं। मैं फिर से गुप्ता सर का लोक विज्ञान केंद्र परिवार भावनगर की ओर से मैं धन्यवाद अदा करता हूँ और आप सभी को भी हम धन्यवाद आपका भी अदा करते हैं। कल सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट का जो कम्युनिटी साइंस सेंटर है उनका टर्न है और वो 2 सेशन में हमारे साथ बात करेंगे, तो आप फिर हमारे साथ जुड़िए 10:30 PM। सभी को जय विज्ञान और आज के लिए शुभ रात्रि। थैंक यू सर।